सनाम को जोहार सागुन दाराम नित दो मेना पुना चिलगुरे चांडिल रेनांग चिलगुरे नवा जागारे माझी परगना को दुरुब कना जहां दो दहाड़ी को चाला को कना अदो चेत बेपार कना उना दोपन बड़ा केट गया ना मसे अभी ना अप्रूब लाई भी ना आली तुम दो सुखदे माड़ी आतु माझी थुलिन माझी बाबा कना ली आ तेहें हुआ बोन येल न्याम है आली नितो दना हिंदी तिलिंग रोड़ा ये आज हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारे माझी महल बारह दिशम परगना महल की ओर से आज का कार्यक्रम माझी बर्द प्राणी गौड़ेद नायके जोग माझी इन सातों को हमारे माझी महल परगना महल से सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आज हम लोग चला रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम रखा गया है तीन सूत्री मांगों पर रखा गया है। इसमें जो एक नंबर पर है आप देख रहे हैं क्या है कि माझी मोड़ों सम्मान राशि जो सरकार ने घोषणा किया है कि हमारे जो मूल यहाँ के निवास जो परंपरा से निवास करते आ रहे हैं उन लोगों को आदिवासी समुदाय से जो भी बिलोंगिंग करते हैं उसमें माझी हो मुंडा हो पाहन हो गौड़ेत हो पुजारी हो इनको सम्मान राशि दिया जाएगा। लेकिन बहुतों जगह अभी तक मिल रहा है लेकिन हमारे बारह दिशम में अभी भी इसे हमको वंचित रखा गया है। और इसके लिए हमने सूची भी कई बार दे चुके हैं सरकार को राज्य सरकार को आपके हमारे वीडियो के माध्यम से डीसी के माध्यम से दिए हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई मान्य स्वीकृति हम लोगों को नहीं मिला है। दूसरे नंबर पे हैं कि माझी को ग्राम प्रधान बनाया जाएगा। इसमें जो अर्जुन मुंडा की सरकार थे 2005 में उसे अलग तरीका से उसमें ग्राम प्रधान को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जो हमारे स्वशासन व्यवस्था में ये है कि वहाँ पर चयनित नहीं होता है वहाँ पर मनोनीत किया जाता है। जो परंपरा के अंतर्गत जो वहाँ के गांव का जो काम को निर्वाहन करते आ रहे हैं उसी व्यक्ति को माझी हो या मुंडा हो या पाहन हो उसे प्रधान बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग उसको सही रूप से लागू करने और उसे पद स्थापित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। तीसरा नंबर पे है माझी परगना महल जो हमारे भारत के हम मूल निवासी हैं आदिवासी हैं और आदिवासी हम संताल समुदाय से आते हैं। हमारे समुदाय से ये मांग करते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार को मांग करते हैं कि हमें अविलंब सरना धर्म कोड दिया जाए क्योंकि हमसे जो कम जनसंख्या है उसको पहले ही धर्म कोड दिया गया है। और जिसके कारण हमको धर्म कोड नहीं मिलने के कारण हमारा जो जाति जनगणना है वो नहीं हो पा रहा है। हम अपना कितना जनसंख्या है हम दर्शा नहीं पा रहे हैं उसके चलते हम सरकारी गैर सरकारी नौकरी में बहुत सारे चीज़ों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। यही मेरा अनुरोध है अगर ये हमारे मांग अगर पूरा नहीं होता है चाहे अगर इसमें हमको धरना देना पड़े या किसी भी तरह का हमको जागरूकता चलाना पड़े हम लोग चलाएंगे माझी महल बारह दिशम की ओर से। कहे आप लोगों को सरना धर्म अलग से कोर्ट चाहिए क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आदिवासी हिंदू है वे हिंदू के रीति रिवाजों से चलते हैं तो आप कहे मानते हैं ऑलरेडी हिंदू है। हम हिंदू नहीं हैं क्योंकि वो हमको ज़बरदस्त थोपा जा रहा है हिंदू है बोल करके। आप देखिएगा जब भी हमारे जो सेंसस रिपोर्ट आता है तो उसमें हमको हिंदू नहीं रखा गया और हम ना ही हमारे सांस्कृतिक कल्चर रीति रिवाज ये अलग है हिंदुओं से भिन्न है। हम उसमें ब्राह्मण को कहीं पूजा पाठ में नहीं ये करते हैं शामिल नहीं करते हैं। हम हर चीज़ में पूजा में देखिए हमारा नायके अलग से होता है। शादी विवाह में देखिए हमारा माझी बाबा वहाँ जोग माझी बाबा भरदो बाबा इन्हीं के द्वारा जो गांव के व्यवस्था है उसी के माध्यम से हमारा काम को परंपराओं से आज तक करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे।